हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। ज्ञानवापी पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा ज्ञानवापी में त्रिशूल, ऐतिहासिक गलती हुई है। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। एएनआई के पॉडकास्ट में योगी ने कहा कि अगर आप ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो उससे विवाद होगा। योगी ने पूछा कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, वो हमने तो नहीं रखा। मुस्लिम समाज से योगी ये भी कहते दिखे कि उन्हें आगे आना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हो गई है और उस गलती का समाधान किया जाना चाहिए। योगी ने ये भी कहा कि वहाँ ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। सीएम योगी ने ये भी कहा कि पिछले 6 साल से यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। इस दौरान योगी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भी निशाना साधने से नहीं चुके। पुणे में सैलानियों के लिए स्वर्ग लवासा में बनेगी पीएम मोदी की 200 फीट ऊंची प्रतिमा। भारत लवासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा के भव्य निर्माण का गवाह बनने के लिए तैयार है। यह प्रतिमा 190 से 200 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। सैलानियों के लिए मशहूर लवासा पुणे के पास का एक शानदार टूरिस्ट प्लेस है, जहां सैलानियों को स्वर्ग की अनुभूति होती है। माना जा रहा है कि 31 दिसंबर 2023 से पहले या उस दिन प्रतिमा के अनावरण होने की संभावना है। इसराइल, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावासों के सम्मानित प्रतिनिधियों से इस अवसर की शोभा बढ़ने की उम्मीद है, जो कि इसे नेतृत्व के वैश्विक उत्सव के रूप में चिन्हित करेगा। प्रतिष्ठित प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र में अखंड एकता के लिए किए जा रहे प्रयासों को समर्पित होगी। डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड DPIL लवासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा भारत के परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ने के लिए तैयार है, जो दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र के भव्य निर्माण के प्रतीक के रूप में काम करेगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT द्वारा अजय हरिनाथ सिंह के नेतृत्व वाली डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज DPGC के पक्ष में लवासा स्मार्ट सिटी के लिए संकल्प योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद इस शानदार प्रतिमा की परिकल्पना अब वास्तविकता बनने के करीब है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, मेरे परिवार का कोई सदस्य WFI चुनाव में दावेदारी पेश नहीं कर रहा। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनके परिवार का कोई सदस्य भारतीय खेल संस्था के आगामी चुनाव यानी WFI इलेक्शंस में दावेदारी पेश नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने दोहराया कि उनके गुट को 22 राज्य संघों का समर्थन हासिल है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण ने दावा किया कि उनकी मेजबानी में हुई बैठक में 25 राज्य इकाइयों में से 22 ने हिस्सा लिया था। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि महासंघ के 12 अगस्त को होने वाले चुनाव के विभिन्न पदों के लिए उनके उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। भारत के आदिवासी क्षेत्रों में अब तक 44% ग्रामीण परिवारों को नहीं मिला नल कनेक्शन, सरकार का खुलासा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में लगभग 44% ग्रामीण परिवारों को अभी तक नल के पानी का कनेक्शन नहीं मिला है। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि 2.17 करोड़ यानी 55.3% ग्रामीण आदिवासी घरों में से 1.2 करोड़ के पास नल के पानी का कनेक्शन है। केंद्रीय मंत्री की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के आधे से अधिक आदिवासी परिवारों को नल से जल का इंतजार है। देश के हर ग्रामीण परिवार को 2024 तक पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना को लागू कर रही है। साल 2030 तक 70% बढ़ेगी देश की प्रति व्यक्ति आय, टॉप पर रहेगा ये राज्य। खबर है कि भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय 2030 तक करीब 70% तक बढ़ सकती है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय $2,450 है, जो 2030 तक बढ़कर $4,000 तक पहुँच सकती है। इनकम में ये बढ़ोतरी होने से देश $6 ट्रिलियन की GDP के साथ मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बनेगा और
का आधा हिस्सा घरेलू खपत से आएगा। 2001 के बाद से प्रति व्यक्ति आय या जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। यह 2001 में 460 डॉलर थी, जो 2011 में बढ़कर 1413 डॉलर और 2021 में 2150 डॉलर हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉमिनल जीडीपी में सालाना 10% बढ़ोतरी का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की बड़ी वजह एक्सटर्नल ट्रेड रहेगा, जो कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक करीब 2.1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वृद्धि में दूसरा प्रमुख योगदान घरेलू खपत का होगा, जो 2030 तक 3.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये 2023 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर है। आपको बता दें कि मोदी ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि उनके अगले कार्यकाल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद टॉप 3 में शामिल होगी। गोहत्या पर नहीं लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देने से किया इनकार। खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। दरअसल कोर्ट में वृषभान वर्मा द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बूढ़े और बेकार बैल, बैल बूढ़ी भैंस और नर समकक्षों को शामिल करते हुए गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि कानून के तहत दिल्ली में पहले से ही गोहत्या पर प्रतिबंध है। उक्त टिप्पणी करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता वृषभान वर्मा को सक्षम विधायिका से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी है। यात्रियों को जल्द टिकट के पैसे लौटाएगी गो फर्स्ट, एनसीएलटी से मांगी इसकी अनुमति। आर्थिक संकट से जूझ रही एयरलाइन गो फर्स्ट अपने यात्रियों को टिकट का पैसा वापस लौटाएगी। एयरलाइन ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी से आग्रह किया है कि 3 मई के बाद टिकट बुक करने वाले यात्रियों को टिकट का पैसा वापस करने की अनुमति दी जाए। अगर गो फर्स्ट को अनुमति मिल जाती है तो उन यात्रियों को पैसे वापस मिल जाएंगे जिन्होंने 3 मई के बाद टिकट बुक करवाया था। आपको बता दें कि एयरलाइन ने 3 मई से अपनी लाइट सर्विस बंद कर रखी है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक इस याचिका पर महेंद्र खंडेलवाल और राहुल पी भटनागर की सदस्यता वाली एनसीएलटी पीठ सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि 25 जुलाई को गो फर्स्ट की टेक्स्ट फ्लाइट्स भी सक्सेसफुल रही है। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइन को फ्लाइट रिज्यूम करने के लिए कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। इसके तहत एयरलाइन 15 एयरक्राफ्ट और 114 डेली फ्लाइट्स के साथ शुरुआत करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मणिपुर हिंसा को लेकर प्रस्ताव पारित, ममता बनर्जी बोली, अगर पीएम मोदी हैंडल करने में सक्षम नहीं तो हमें हैंडल करने दें। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोले हुए हैं और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने सदन में एक प्रस्ताव पेश किया था। इस दौरान विधानसभा में टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि मणिपुर जल रहा है और बीजेपी बंगाल में टीम भेजने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी इसे संभालने में असमर्थ हैं तो वह हमें इसकी जिम्मेदारी दे सकते हैं, हम उनसे बेहतर तरीके से इसे संभाल लेंगे। बीजेपी बेटी जलाओ और बेटी हटाओ कर रही है, मुझे बीजेपी से ज्ञान नहीं चाहिए। बीजेपी यहां पर 107 प्रतिनिधि मंडल भेजा है। योगी के बयान पर भड़के ओवैसी, कहा बस चले तो ज्ञान वापी पर बुलडोजर चला दें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ज्ञान वापी पर दिए गए बयान को एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संविधान के खिलाफ बताया है। योगी के बयान को ओवैसी ने सांप्रदायिक बताते हुए कहा कि अगर योगी का बस चले तो वो ज्ञान वापी पर बुलडोजर चलवा दें। ओवैसी ने कहा कि योगी बुलडोजर की राजनीति करते हैं और इस तरह की बयानबाजी मुसलमानों पर दबाव डालने के लिए की जा रही है। उन्होंने योगी को कानून का पालन करने की भी नसीहत दी। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को एएनआई के एक पॉडकास्ट में कहा था कि अगर आप ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो उससे विवाद होगा। योगी ने पूछा कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, वो हमने तो नहीं रखा। मुस्लिम समाज से योगी ने ये कहते हुए दिखाई दिए कि उन्हें आगे आना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती का समाधान किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट कर सकता है मणिपुर मामले की सीबीआई जांच की निगरानी। सरकार से पूछे कई सवाल, कहा हिंसा किसी के भी खिलाफ हो हम गंभीरता से लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार से तीखे सवाल किए हैं। कोर्ट ने पूछा कि 4 मई को दो महिलाओं को निर्वस्त कर घुमाया गया, लेकिन FIR 18 मई को दर्ज हुई, 14 दिन तक पुलिस ने कुछ क्यों नहीं किया। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है, जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सरकार को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जांच की निगरानी करे, मुकदमा भी राज्य से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेकर ये सुनवाई कर रहा है, लेकिन मामले को लेकर कई याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं। इनमें 4 मई की घटना में दुर्व्यवहार की शिकार दोनों महिलाओं की याचिका भी शामिल है। उनकी तरफ से बोलते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच सीबीआई को नहीं सौंपनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से SIT बनाए। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव और उनके परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। बता दें कि नौकरी के बदले जमीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने लालू और उनके परिवार के सदस्यों की करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये संपत्ति बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में है। आपको बता दें कि इस मामले में लालू और उनके परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पटना स्थित बेहटा, महुआ बाग और दानापुर में यादव परिवार की संपत्ति को जब्त किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लालू की बेटी हेमा यादव की संपत्ति को भी जब्त किया गया है। दिल्ली स्थित तेजस्वी यादव के डी ब्लॉक वाली संपत्ति को भी जब्त किया गया है। जब्त की गई संपत्ति का सरकारी मूल्य 6.2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, हालांकि वास्तविक मूल्य इससे ज्यादा हो सकता है। यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है। इस दौरान लालू यादव रेल मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उम्मीदवारों से लालू ने रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के बदले जमीन ली थी, और इसी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने अक्टूबर 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी भी मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। पूर्वोत्तर भारत में विदर्भ, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, सौराष्ट्र और कच्छ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में हल्की बारिश होने की संभावना है। आज का सुविचार, कभी कभी खुद के लिए भी सोचा करो जनाब, क्योंकि हैसियत के इस जमाने में खैरियत कोई नहीं पूछता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।